ये जो बैग लाइट है, बैग लाइट इतनी ज्यादा भाई साहब आवाज कर रही है, बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही है, देखो पूरी हिल रही है, खट 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 पूरा। जब हम ऑफ रोडिंग करते हैं तो काफी ज्यादा इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो इसे सही कैसे करना है आगे वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज, होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ये है मेरे पास होंडा की ड्रीम योगा 110 सीसी बाइक है, और इस बाइक में प्रॉब्लम है बैग लाइट की। बैग लाइट काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करती है, ये जो बैग लाइट लगी हुई है ये वाली काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करती है, बहुत ज़्यादा लूज है, इतनी लूज नहीं रहना चाहिए। देखो अभी इसमें आवाज़ आ रही है, जब ये बेकार रोड पे चलती होगी, मतलब ख़राब रोड पे चलती होगी, जब कितनी आती होगी, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है, खट 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 पीछे से बहुत तगड़ी आवाज़ आती है, मैंने खुद चलाया है, तो बस यही प्रॉब्लम है, यही आवाज़ करती है। तो इसे सही कैसे करना है, टाइट कैसे करना है, प्रॉब्लम क्या होती है, ये लूज क्यों हो जाती है, पूरी वीडियो में आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा, और इसे कैसे सही करना है, क्या क्या खोलना पड़ेगा, चलो पूरा सारा कुछ आप लोगों को मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमको चाबी लेना है, और ये जो राइट साइड का पैनल लगा हुआ, राइट साइड का पैनल हमको चाबी से खोल के यहाँ से खींचना है, और यहाँ से खींचना है, ये निकल जाएगा। ये दो जगह फंसा रहता है, ये और एक जगह पीछे फंसा रहता है, तीन जगह फंसा रहता है, खींच के निकलता है, बस खींच के निकाल लेना है। अब हमको खोलना पड़ेगा इसकी सीट। सीट खोलने के लिए एक बोल्ट यहाँ पे 10 नंबर का है, और एक यहाँ पे स्क्रू है, तो ये स्क्रू और ये बोल्ट को खोल लेते हैं। चलो तो मैंने बोल्ट को भी खोल लिया, स्क्रू को भी खोल लिया। अब यहाँ पे इस पैनल को थोड़ा सा इधर खींच के नीचे करना है, ये अभी कम आ रहा है क्योंकि इसमें डिग्गी लगी हुई है, डिग्गी की वजह से ये आगे नहीं आ पा रहा है। ये देखो ये यहाँ पे टच कर रहा है, तो कोशिश करते हैं खोलने की। बोल्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये 12 नंबर का बोल्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये सीट का ही है। तो ये बोल्ट को खोल लोगे तो एक साइड से हमारी सीट जो है खुल जाएगी, फिर दूसरे साइड से कैसे खोलना है वो बताते हैं। पहले ये बोल्ट को खोलते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये बोल्ट को मैंने खोल लिया है इस साइड का, ये 12 नंबर के पाने से खोला है, इस साइड का खुल गया। अब चलते हैं इसके लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में सबसे पहले खोलना है साइड का पैनल जो स्क्रू ड्राइवर से खुलेगा। तो इसे खोलते हैं स्क्रू ड्राइवर को, और फिर इसका जो साइड पैनल है, साइड पैनल को बाहर निकाल लेते हैं। कहीं पे और स्क्रू नहीं है इसमें, एक ही स्क्रू है, वो भी लेफ्ट साइड में। राइट साइड का जो खुलता है वो चाबी से खुलता है। अब सेम इधर भी वैसे ही, 10 नंबर का ये बोल्ट, एक स्क्रू यहाँ पे, ये दोनों को खोलते हैं। चलो ये दोनों को मैंने खोला, और अब इसका जो पैनल थोड़ा सा बाहर खींचेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, उधर डिग्गी लगी हुई थी इस वजह से नहीं आ रहा था। यहाँ पे 12 नंबर का बोल्ट है, इसे खोलते हैं। चलो सीट के 2 बोल्ट होते हैं, और ये सीट चाबी से नहीं खुलती है, बोल्ट से खुलती है, तो इसमें बोल्ट होता है। बाकी बाइकों में, काफ़ी सारी बाइकों में जो चाबी से खुल जाती है सीट, तो बोल्ट मैंने खोल लिया। अब इसकी सीट को ऊपर उठा के और आगे की तरफ खींच लेना है, सीट निकल जाएगी। सीट निकाल के साइड में रखते हैं। अब इसका जो पीछे का रियर पैनल है वो खोलना पड़ेगा, कावेल। तो कावेल खोलने के लिए, लाइट सही करने के लिए हमको ये 4 बोल्ट पहले खोलना है 12 नंबर के, ये। तो इसे मैं खोल के बाहर निकाल लेता हूँ 4 बोल्ट को, और फिर आगे क्या क्या खोलना है पूरी जानकारी मिलेगी। ये खुल गया, अब ये जो पीछे का कावेल है, कावेल खोलना पड़ेगा हमको ये वाला। तो इसके एक स्क्रू यहाँ पे, एक स्क्रू यहाँ पे, तो और जो दूसरा यहाँ पे, ये देखो ये, और तीसरा भी इस साइड में, ये टोटल 4 स्क्रू हैं, 4 स्क्रू खोलना है, और पीछे का जो रियर पैनल है वो बाहर निकल जाएगा। चलो 4 स्क्रू खोलते हैं और पैनल को बाहर निकाल लेते हैं। तो मैंने इसका पैनल रियर वाला बाहर निकाल लिया, ये रखा हुआ है। अब मैं खोलता हूँ इसकी लाइट, जो काफ़ी ज़्यादा लाइट हिल रही है, लाइट ही बनाने के लिए हमको इतना सब खोलना पड़ा। तो यहाँ पे 8 का पाना लेना है, और ये बोल्ट लाइट के लगे हुए हैं, एक यहाँ पे ये लगा हुआ, एक इसके जस्ट आगे साइड में लगा हुआ है। तो इसे मैं पहले खोल लेता हूँ, ये हमारा खुल गया 1 बोल्ट, और अब जो है यहाँ पे 1 बोल्ट है ये, तो इसे भी खोल लेना है। इसे खोलोगे तो लाइट बाहर आ जाएगी, और अगर पूरी निकालना है तो फिर आपको जो वायर की स्विच है, लाइट की जो स्विच है, कपलर निकालना पड़ेगा उस, और फिर आपकी लाइट बाहर आ जाएगी, बाइक की लाइट। अभी यहाँ से हम लाइट को बस इतना ही निकाल रहे हैं ये। अब इसमें जो मेन कमी है ना, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो रबर लगी हुई है, ये या तो ये रबर चेंज कर दो तो सही हो जाएगी, लेकिन ये रबर मिलेगी नहीं, इसमें ही हमको कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये जो 2 सिलू हैं यहाँ पे, यहीं पे ध्यान देना है आप लोगों को, ये 2 सिलू हैं, ये 2 सिलू में क्या करेंगे वो भी बताते हैं। चलो ये 2 सिलू हैं देखो, और ये है मेरे पास ट्यूब, जो बाइक की ट्यूब होती है, ट्यूब है,
इसको हमको इतना इतना सा कट करना है, चार टुकड़े कर लेना इस तरीके के। चार टुकड़े कर लिए अलग अलग और मैंने होल भी बना लिया चारों में। ये देखो इस तरीके से होल बना लेना है। अब ये सुलू लेना और इसके बीच में डाल देना है। ये दो दो रबर डालना है, दो दो, इसीलिए मैंने चार काटा है। और मैं इसे क्यों डालूं, क्योंकि देखो जो ये जो सुलू थे जहाँ पे लगे हुए थे वहाँ पे रबर लगी होती है, रबर के अंदर सुलू बैठते हैं, रबर कट जाती है तो सुलू आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं सुलू तो फिर आगे टाइट करने का जुगाड़ होता नहीं है। तो यही होता है कि सुलू या तो रबर चेंज कर दो, या तो सुलू में वाइसर लगा दो या रबर लगा दो। तो रबर बेहतर है, रबर लगाओ वाइसर मत लगाओ। अभी इसको हम उसी साइड से कट कर ले रहे हैं, ये देखो। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ पीछे की जो लाइट है वो हिलेगी नहीं मेरे ट्रिक से। इसे मैं पहले कट कर लेता हूँ, वाइसर टाइप में बना लेना। ये देखो मैं इसे कट कर दूंगा हर तरफ से तो ये वाइसर टाइप में बन जाएगी। और ये इसको अंदर रहना है, बाहर नहीं दिखेगी। ये देखो हो गया। अभी एक जो हमारा काम है वो कंप्लीट होता है तो इसे हम चलते हैं और बाइक में जहाँ से हमने इस रबर में निकाला था यहाँ पे इस रबर से, तो ये रबर में बिठा देते हैं। अभी इसका गैपिंग ज़्यादा हो गया तो ये लाइट को ज़्यादा टाइट कर ले जाएगा, ये देखो। और अब हमको करना है इस रबर पे, तो इस रबर पे क्या करना है, टेप लगाना है ये, क्योंकि रबर देखो मिलेगी नहीं। आप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिलती नहीं है। तो बस एक ही है कि यहाँ पे देखो ये इसका होल और ये रबर कट जाती उस होल में बैठती है, ये रबर कट जाती है तभी जो है आवाज़ करने लगती है लाइट। तो अभी यहाँ पे हमको गैप जो है ज़्यादा करना पड़ेगा रबर का, तभी ये बैठेगी। देखो यहाँ पे मैं बैठा रहा हूँ तो ये बिल्कुल नॉर्मल से बैठ जा रही है, ये देखो बिल्कुल नॉर्मल से, और ये इस तरीके से हिलती है। तो अभी जब हम इसमें टेप लगा देंगे, मतलब यहाँ पे चलो ये इस रबर में टेप लगा देंगे तो ये टाइट बैठ जाएगी। चलो रबर को लगाते हैं हम फटाफट से, रबर को लगाते हैं, वो सॉरी रबर को नहीं टेप को लगाते हैं। यहाँ पे बस टेप को लपेट देना है इस तरीके से। अब जो रबर का गैप बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो होल में जो रबर है वो टाइट बैठेगी, टाइट बैठेगी। और ऊपर से हम बोल्ट भी दो है उधर, बोल्ट में भी दो रबर लगा चुके हैं, वो टाइट हो जाएंगी। और यहाँ से जो ऊपर नीचे कर रही थी, हिल रही थी नीचे से, वो हिलेगी तो नहीं। देख लेना है जो टेप है, टेप लगा के चेक कर लेना है। इतना मैंने लगा दी है और मैं इसे जो होल है उसमें बिठा के देखता हूँ पहले, शायद ज़्यादा हो गया मुझे लगता है। चलो फिर भी एक बार बिठा के देख लेते हैं इस होल में, तो अंदर जा रहा है या बैठ रहा या नहीं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका है, ये देखो देखो अंदर नहीं जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो इसका जो टेप है, टेप और कम करना पड़ेगा। चलो टेप को और कम कर लेते हैं, ज़्यादा टेप है लग गया ज़्यादा, क्योंकि इसका जो होल है वो छोटा पड़ रहा है, अभी इसका बड़ा पड़ रहा है। तो चलो इसका टेप मैंने निकाल दिया इतना, और अब मैं इसे बिठा के देखता हूँ, यहीं पे बिठा के देख लेते हैं। देखो अभी बैठ जाएगा ये, देखो थोड़ा सा ताकत से इसको दबा देना अंदर की तरफ, बैठ जाएगा। और मजबूत बैठना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, पूरा गैप लेना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल आराम से बैठ जाए, आराम से भी ना बैठे। अभी ये हो गया, अभी ये दो सिलू मैंने निकाल लिया था चेक करते टाइम पे। चलो इसे वापस से हम यहाँ पे लगा के और इसके बोल्ट फंसाते हैं, और इन जो आठ नंबर के बोल्ट हैं इन्हें मैं फुल टाइट कर लेता हूँ। और टाइट करने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो लाइट इतनी ज़्यादा वाइब्रेट कर रही थी, पीछे से हिल रही थी, वो लाइट बिल्कुल हिलना बंद हो जाएगी। लाइट जो हमारी कंप्लीट टाइट हो चुकी है, अब देखो ये एक जरा से भी लाइट नहीं हिलेगी। देखो बिल्कुल मजबूत हो गई, बिल्कुल मजबूत बोले तो कंपनी से भी ज़्यादा मजबूत हो गई है ये लाइट अब। और इसमें मुझे सारा कुछ फिटिंग करना है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये इसका जो सारी गार्ड होता है ये टूटा हुआ है, तो इसे हमको खोल के वेल्डिंग कराना है, क्योंकि ये टूट गया बहुत ज़्यादा, ये भी हिल रहा है। तो इसको भी खोल के वेल्डिंग करा लेते हैं और ये सारा कुछ फिटिंग करा लेते हैं, फिर लाइट को आप लोगों को एंड में दिखाते हैं, पहले सारा कुछ फिटिंग कर लेते हैं। चलो हमारी बाइक कंप्लीट हो चुकी है, सारा कुछ फिटिंग कर ली है। अब मैं बैग लाइट दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो आवाज़ कर रही थी बैग लाइट की, जो आवाज़ आ रही थी वो आवाज़ बंद हो चुकी है, बैग लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ये देखो पूरी तरीके से ये जाम हो चुकी है, अब ये आवाज़ नहीं करेगी, ना हिलेगी ना आवाज़ करेगी। बाकी जो है मैं इस बाइक की सर्विस कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पूरी बाइक मैंने जो है चैन वगैरह खोल रखी है, ये देखो
चैन वगैरह मैंने इसकी खोली है पूरी, बाइक जा रही है वॉशिंग में। और ये चीज़ जो बैक लाइट की है, ये चीज़ मैं फ्री कर रहा हूँ सर्विस में, इसका चार्ज एक रुपये भी नहीं लूँगा। अगर मेरे पास आप सर्विस कराते हो तो बैक लाइट का जो चार्ज है वो मैं नहीं लगाऊंगा, अगर बैक लाइट में प्रॉब्लम है तो, बाकी सर्विस में वो सारा देख लेते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।